गुड मॉर्निंग, माई सेल्फ मनीष कुमार फ्रॉम महात्मा गांधी शिक्षण संस्थान दरभंगा। डियर स्टूडेंट, टुडे वी विल स्टडी सोशल साइंस क्लास थर्ड एंड चैप्टर फर्स्ट। आई एम गोइंग टू समराइज चैप्टर फर्स्ट। हेयर इज रिटन द सन, द स्टार्स एंड अदर कैलेस्टियल बर्ड ऑब्जेक्ट्स आर लोकेटेड इन द यूनिवर्स। डियर स्टूडेंट, वी विल नो दैट about the stars and suns in this summary. First of all, we should know about our universe. We all know that our universe is a large and very it is endless. Here is written the sun and the stars and celestial body. It means सूर्य, हम चंद्रमा, तारे और कई सारे छोटे छोटे ऑब्जेक्ट, वो सारे इस यूनिवर्स में स्थित हैं। नंबर टू, द सन इज ए स्टार, इट इज ए ह्यूज बॉल ऑफ हॉट ग्लोइंग गैसेज दैट प्रोवाइड हीट एंड लाइट टू अस विच मेक लाइफ पॉसिबल ऑन अर्थ। It is important thing. First, sun is a star. सूर्य एक तारा है. And it is a huge ball of hot glowing gases that provide heat and light. और यह एक बड़ा ही ball, hot ball gases है, यानी गैस का एक गोला है जो हमें प्रकाश और गर्मी प्रदान करता है, जिसके कारण पृथ्वी पर जीवन संभव है। नंबर थर्ड, आवर प्लैनेट अर्थ इज ए पार्ट ऑफ द सोलर सिस्टम विच इज लोकेटेड इन द मिल्की वे गैलेक्सी। वी आर डिस्कस अबाउट आवर अर्थ इन द नेक्स्ट चैप्टर। वी ऑल नो दैट द अर्थ इज अ पार्ट ऑफ आवर सोलर सिस्टम विच सोलर सिस्टम इज लोकेटेड इन मिल्की वे गैलेक्सी। इट मीन्स हमारा जो पृथ्वी है वह सोलर सिस्टम का एक अंग है और जो कि मिल्की वे गैलेक्सी में स्थित है। एट प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन इन आवर सोलर सिस्टम। आठ ग्रह सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते रहते हैं इस सोलर सिस्टम में। A satellite revolves around a planet. Our Earth has only one satellite, the Moon. Satellites, उपग्रह जो planet के चारों ओर घूमते रहता है। पृथ्वी का मात्र एक satellite है, वह है चंद्रमा। Thank you.